कैरिबियन सागर नीले और हरे रंग का नजारा त्रिनिदाद की गर्म धूप में चमक रहा था। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहां हर कोई अपनी चिंताओं को भूलकर सुकून पा सकता था। पाम के पेड़ हल्के से हिल रहे थे, उनकी परछाई पारिया बीच की रेत पर नाच रही थी। यह नजारा इतना शांतिपूर्ण था कि मानो समय थम सा गया हो। सतह के नीचे एक अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी और अनजानी थी, जहां हर कोने में कुछ नया छिपा हुआ था। धुंधले रंगों की दुनिया, शांत हरकतों की ओर छिपे हुए खतरों की। यह दुनिया जितनी आकर्षक थी उतनी ही खतरनाक थी। यह इसी दुनिया में था। 25 फरवरी 2022 को 5 आदमी गहराई में जाने के लिए तैयार थे, उस त्रासदी से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। वे अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं था। ये सभी आदमी अनुभवी गोताखोर थे और उन्हें राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनी पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी के एक पानी के नीचे की पाइपलाइन के नियमित रखरखाव का काम सौंपा गया था। यह काम उनके लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चुनौतियां थीं। उनका मिशन सतह से कई फीट नीचे स्थित पाइपलाइन के एक हिस्से की मरम्मत करना। यह काम जितना महत्वपूर्ण था उतना ही जोखिम भरा भी। काम जाना पहचाना था, जोखिम का अंदाजा था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, एक अनजाना डर, एक अनकहा खतरा। जैसे ही उन्होंने अपने गोताखोरी के उपकरण पहने, हवा में समुद्र की नमकीन हवा और मशीनरी की आवाज के साथ एक सामान्य स्थिति बनी रही। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में कुछ बड़ा होने वाला था। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह गोताखोरी अस्तित्व की एक हताश लड़ाई बन जाएगी। दुख और साहस में लिखी एक कहानी, यह एक ऐसी घटना थी जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगी। एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। गोताखोर कैरिबियन सागर के ठंडे आगोश में उतरे। सूरज की रोशनी पानी से छनकर समुद्र तल पर बदलते हुए नजारे बना रही थी। चटकीले रंगों की मछलियों के झुंड ऊपर प्लेटफॉर्म को सहारा देने वाले विशाल कंक्रीट के खंभों के चारों ओर घूम रहे थे। गोताखोर अपनी लाइफलाइन से बंधे हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली गर्भनाल अभ्यास से आसानी से चल रहे थे। क्रिस्टोफर बूड्रम, फैजल कुर्बान, यूसुफ हेनरी, रशीन अक्सर और काजिम अली जूनियर ने लगातार काम किया। उनकी हरकतें एक साथ थीं। इंटरकॉम पर धीमी आवाजों के जरिए उनका संचार स्पष्ट था। उनके कार्यों की जानी पहचानी लय शांत करने वाली थी, लगभग सम्मोहित करने वाली। फिर बिना किसी चेतावनी के शांति भंग हो गई। अचानक पानी का तेज बहाव, दबाव में अप्रत्याशित बदलाव, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आदमी चकित रह गए। उनके शरीर अशांत धारा में बेजान गुड़ियों की तरह फेंके गए। वे समझ ही नहीं पाए कि यह सब कैसे हो गया। डर तेज और तात्कालिक ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ये डर उनके दिलों में गहराई तक उतर गया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, एक शक्तिशाली चूषण ने उन्हें उस पाइपलाइन के मुहाने की ओर खींच लिया जिसकी वे मरम्मत कर रहे थे। वे खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। एक एक करके उन्हें अंदर खींच लिया गया। ताकत इतनी तेज थी कि इसने उनके मुंह से हवा की आपूर्ति करने वाली नली को चीर डाला। ये एक भयानक अनुभव था। अंधार ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर घना अंधेरा था, जिससे उनकी घबराहट और बढ़ गई। पाइपलाइन की ठंडी स्टील की दीवारें उनकी जेल बन गईं। पानी की तेज आवाज एक ओग्लुशीतलनीय गर्जन। ये गर्जन उनके कानों में गूंज रहा था। हवा की कमी और उनकी विकट स्थिति के भयानक एहसास से घबराहट बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। सतह के ऊपर भ्रम की स्थिति तब पैदा हुई जब प्लेटफॉर्म पर मौजूद सपोर्ट क्रू का गोताखोरों से संपर्क टूट गया। हर कोई चिंतित था और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अलार्म बजाया गया, एक तेज खोज शुरू की गई। हर दिशा में लोग दौड़ रहे थे, हर कोई अपने हिस्से का काम करने में जुटा था। मिनट घंटों में बदल गए, हर पल के साथ उम्मीद कम होती गई। समय जैसे थम सा गया था और हर बीतते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। बेताब कॉल किए गए, बचाव दल इकट्ठे किए गए। हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। गोताखोर अपने साथियों की तलाश में अंधेरे में डूब गए। उनकी बत्तियां अंधेरे में से रास्ता बना रही थी। हर कोने की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लापता पुरुषों के परिवार किनारे पर जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं हवा में फुसफुसा रही थी। हर कोई एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। देश ने अपनी सांस रोक रखी थी। उम्मीद के पतले से धागे से चिपके हुए थे। हर कोई एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, भयानक हकीकत सामने आ गई। समय बीतता जा रहा था।
और उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। पुरुषों को जीवित खोजने की संभावनाएं समाप्त हो रही थीं। हर कोई जानता था कि समय के साथ यह और भी मुश्किल होता जा रहा था।